उधर से ट्रेन से मेरा बच्चा मांग रहा था उधर पानी की बोतल। ये मैच जो है तीसरी मरतबा यहाँ खेला जा रहा है, दो बार ये मैच जो है टाई हो चुका है। बड़ा दिलचस्प मैच, बड़ा शानदार मैच। जी हाँ, सुधांत प्रशांत जो है सलामी बल्लेबाज के तौर खेलने के लिए गए हैं। सुधांत और प्रशांत से क्रीज पर देखते हैं गेंदबाजी के लिए। अरविंद तो गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, ये सुपर ओवर नहीं फेंक सकते हैं। अरविंद की जगह देखते हैं कि किसे गेंदबाजी का चार्ज दिया जाएगा। मेरा बोलना सुहेल गलबन गेंदबाजी करेंगे और मैच के स्वर की तरफ से सद्दाम वानी अबरार रफी जो है तीन नाम आए हैं यहाँ पर, चूंकि सुपर ओवर है, तीन ही खिलाड़ी यहाँ पर जो है खेल सकते हैं किसी भी टीम की तरफ से। दोनों बैट्समैन क्रीज की तरफ जा चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट, आला पाई का टूर्नामेंट। ये इस टूर्नामेंट की खूबी है कि यहाँ पर बार बार टीमें जो है सुपर ओवर की तरफ बढ़ रही है। बड़ा बैलेंस मैच, टीमें यहाँ पूल बनाया गया है, टीमें बैलेंस हैं, जिस वजह से बार बार यहाँ सुपर ओवर की तरफ जा रहे मैचेस। ये फिक्चर का भी एक इसमें एक रूल है कि अच्छा फिक्चर बनाया गया, बैलेंस रखा गया, तमाम टीमों को जो है मौका दिया गया है कि वो यहाँ पर खेले। रैना क्रिकेट क्लब मांडवा बाड़ला की टीम जो एक टीम उनकी है, तीन मैचेस यहाँ जीत चुकी है। उनकी जो टीम है ए टीम, उसने मुंबई क्रिकेट क्लब को यहाँ शिकस्त दी है। एक मैच में 199 रन बनाए थे रैना ए ने, मुकदा 20 ओवर में, और ये मैच तीसरी मरतबा शुरू होता है। बॉलर्स ने सुहेल है गेंदबाज, उनके सामने बैट्समैन सिद्धांत प्रशांत नितिन, तीन बैट्समैन हैं जो रैना बी की तरफ से खेल सकते हैं। सिद्धांत सामना करेंगे, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, अंपायर का इशारा लेग बाइज। पहली शानदार गेंद यहाँ पर सुहेल की, सुहेल एक गेंद हो चुकी है जिसमें एक लेग बाइज का रन बन चुका है। अब सिद्धांत सामना करेंगे, प्रशांत फेस पर कर रहे थे पहली गेंद का। सुहेल छोटा सा रन, छोटा सा कट, गेंद करेंगे सिद्धांत को। वन डाउन बैट्समैन नितिन है, अगर दो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं पहले दो तीन गेंदों में तो इनिंग समाप्त की जाएगी, तीन ही खिलाड़ी जो है सुपर ओवर में खेल सकते हैं। सुरेश कॉलेज से अंपायर के पास से गुजरे मौजूद देखते हैं, एक रन रहा वहां पर, फर्स्ट बॉल पर गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिल पाएगा स्कोर दो बिना किसी नुकसान के। ये तीसरी मरतबा मैच खेला जा रहा है, याद रहे ये टूर्नामेंट 17 प्रीमियर लीग T20 2021 का फर्स्ट एडिशन, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मेगा टूर्नामेंट। शुरू पहले दिन से ही यहाँ पर मैचेस जो है क्रूशल, बड़े जबरदस्त मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कि मजीद तीन गेंदों में कितने रन बना पाते हैं सिद्धांत और प्रशांत। गर्भवत सिद्धांत ही सिंचाई से चार रन बना चुके हैं तीन गेंदों में। आईपीएल के रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पर भी बीपीएल में भी अप्लाई होते हैं। इस दौरान सुहेल कॉलेजन से चार गेंदों पर बहुत बड़ा छक्का लगाने में कामयाब यहां पर सिद्धांत। दो गेंदे बाकी हैं, देखते हैं मजीद कितने रन बना पाते हैं। 10 रन बन चुके हैं चार गेंदों पर। सुनील कॉलेज से अंपायर के पास से गुजरे, वहां पर ये रन जा चुके हैं। किश्तवाड़ ने जीता शुरुआत, बहुत खराब बैटिंग के लिए रैना भी को दावत दी, रैना की बैटिंग बहुत खराब रही, लेकिन आखिर पर जो पार्टनरशिप बनी वही खमियाजा यहां पर भुगत रही है सरकोट किश्तवाड़। जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप रही जिसमें 52-53 रन बने, 100 रन बनाए उन्होंने, और जो जबरदस्त डिफेंड करते हुए
यहाँ पर 18 ओवर्स में सिर्फ टाई मैच हो चुका है, सुपर ओवर जब खेला गया वो भी 16 रन पर टाई हो गया। तीसरी मरतबा मैच सुहेल कालेजन से ठीक है जनरल कीपर के मैच सुनू सकता हूँ मैं। 5 गेंदे हो चुके हैं, 10 रन बना चुके हैं। विकेट कीपर जो है जाते हुए बॉलर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। पहले मैच में पहले सुपर ओवर में 16 रन बने थे, इस वक्त भी अगर छक्का पड़ता है तो 16 ही आउट हो जाएंगे। ये 16 का आंकड़ा बड़ा नाजुक है, जो पहले मैच हुआ था उसमें भी मैच बहुत दिलचस्प है। गेंद की तादाद काफी ज्यादा, लाइव विवर्स काफी ज्यादा में है देखते हुए। सुनील कैच हो सकता है, फील्डर कैच के नीचे आ रहे हैं, देखते हैं काफी दूर एक रन बना, वहां पर खराब फील्डिंग, दूसरा रन भी बना लिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार रनिंग करते हुए इसके साथ ही और खत्म हुआ। 12 रन बने ओवर में, 13 टू विन। यहाँ पर रैना के खिलाड़ी मैदान की तरफ जाते हुए अब 12 रन बन चुके हैं, 13 रन भी कम नहीं होते हैं आखिरी ओवर में, सुपर ओवर में आप देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पहले बैटिंग आरम्भ किया गया है। यहाँ पर यूथ के सिवाड़ की तरफ से सद्दाम अबरार और रफी जो है बल्लेबाजी करेंगे। 6 गेंदों पर 13 रन बनाना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, जिस किस्म का खेल यहाँ पर हो रहा है। देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी टीम ये मैच जीतती है। आज का पहला मैच खोजवा क्रिकेट अकेडमी फरीदिया बलेसा के दरमियान होगा। बहुत ही जबरदस्त ताबड़तोड़ मुकाबले, कमजोर दिल वाले इस खेल से दूर ही रहे। शेर अगर बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करना भूलता नहीं है। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि शेर अगर बूढ़ा है तो शिकार करना भूलता नहीं है। कल अगर अबू धाबी में जडेजा ने जिस किस्म की बल्लेबाजी कल अबू धाबी में की थी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से आरसीबी के मुकाबले में, लेकिन यहां आखिरी ओवर जो सुनील नारायण ने किया था, यहां पर इस वक्त सुनील नारायण ने आखिरी ओवर बड़ा जबरदस्त किया। उन्होंने आखिरी गेंद तक मैच को पहुंचाया था, आखिरी ओवर तक। जी हाँ, इस वक्त सारा मशवरा करते हुए दूसरी बार बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए जिन खिलाड़ियों को चांस दिया गया था वो नहीं खेल सके इस सुपर ओवर में। अब तीसरी मरतबा जो है मुख्तलिफ खिलाड़ियों को चांस दिया गया है। सिद्धांत प्रशांत नितिन ने यहाँ पर बैटिंग करना थी, दो ही बैट्समैन कर गए क्योंकि विकेट नहीं हुआ। अब किश्तवाड़ की तरफ से सद्दाम वानी अगर रफी, बहुत अच्छा मैच। अब देखते हैं राजू पांडे की जगह किस गेंदबाज को यहाँ आजमाया जाएगा। ओपनर जो है पैड लगाते हुए पहला मैच बदवा एकेडमी और फरीदिया बलेसा के दरमियान में होने जा रहा है। फरीदिया बलेसा कल ही पहुंच चुकी है और समीर मलिक की बदरात क्रिकेट एकेडमी जो पिछले टूर्नामेंट की रनर टीम है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा मैच होने की संभावना। फरीदिया भी अच्छी टीम है जो किलोतराम बलेसा से है, एक मैच यहाँ शानदार जीत दर्ज कर चुकी है। उसके अलावा बलेसा की दो टीमें हार कर वापस चली गई हैं, एक टीम अभी भी टूर्नामेंट है, यानी कुल मिलाकर 4 टीम जो है बलेसा की इस टूर्नामेंट में खेल रही है। किश्तवाड़ से 5-6 टीमें, वादी से 5-6 टीमें, मुंबई बिहार के खिलाड़ी, दिल्ली से जामिया मिलिया से एक टीम आई थी, जो सुंगली जो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक गांव है वहां के आदिल मंजूर डार और आरिफ डार ने लाए थे जामिया मिलिया के खिलाड़ी, वो यहां पर पहला ही मैच हार गए। हालांकि बड़ी जबरदस्त टीम थी वो भी, वो पहले मैच में फंस गई, अगर वो वहां से निकल जाती तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो फाइनल तक कहीं रुक जाती। बहुत बड़ी टीम थी वो भी, लेकिन पहला ही मैच उनका रहना ए के साथ हुआ और रैना ए ने वो मैच जीत लिया था। रैना ए में गौरव विपुल सचिन और शकीबुल गनी जो यहाँ शानदार बैटिंग कर चुके हैं। शकीबुल गनी ने पहले मैच में 14 गेंदों पर 57 रन बनाए, दूसरे मैच में 45 गेंद में मुंबई के खिलाफ उन्हें 77 बनाए, 7 छक्कों और 7 चौकों की मदद से। कल भी बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था। यहाँ पर पहले भी 3 बार जो है टाई मैच हो चुका है। ममडन बदरवा जो गाजी हमारे खतीब एक जबरदस्त क्रिकेटर हैं, उनकी टीम का भी यहाँ
کاش کے ساتھ کاربن ممائد ہوا تھا جو تیسری مرتبہ اسے کھیل کر جو اس کا نتیجہ سامنے آیا تھا. اس وقت صدام، ابرار اور رفیع تیار، چھ گیندے 13 رن. دونوں بیٹسمین پویلین سے نمودار ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ گیند بازی کے لیے رینا کرکٹ کلب بی کی طرف سے کس گیند باز کو بلایا جاتا ہے. اس ٹورنامنٹ میں بدروا کرکٹ اکیڈمی، یوتھ کلب، مسعود کلب اے، مسعود بی، رینا کلب اے، رینا کلب بی، جم خانہ، یوتھ سرکوٹ کشتواڑ، ہریدیا پلیسا، واریئر کشتواڑ، چناب ٹائگرز، بدروا بولز، کئی بڑے وہ باہر چلی گئی تھی. ابھی جو 8-10-15 بڑی ٹیمیں ہیں ابھی جو دعوے دار ہو سکتی ہیں کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، فائنل. لیکن ممبئی کے بارے میں بھی قیاس تھا کہ وہ بھی شاید سیمی فائنل. ہمارے آرگنائزر چیف آرگنائزر نے بتایا کہ جو 40-42 ٹیمیں جو ہیں دعوے دار ہیں جو سیمی فائنل فائنل کی متمنی بھی ہیں اور کھیل بھی سکتی ہیں. بڑا بڑے پیمانے اعلیٰ پیمانے کا کرکٹ یہاں پر ہوتا ہوا جس طرح سے کل ابو دھابی میں چنئی سپر کنگ اور آر سی بی کے درمیان میچ ہوا تھا. جو دیکھتے ہیں کہ سٹرائک پر کون ہے. عرفان ہمارے آفیشل اسکورر اپڈیٹ کریں گے. تیرہ رن چاہیے چھ گیندے. گیند باز دیکھتے ہیں عرفان اپڈیٹ کریں. عرفان اپڈیٹ کریں. 12 رن بنا چکے ہیں رینا کرکٹ کلب بی نے. چھ گیندے 13 رن. کالج اینڈ سے روہت اگروال. بیٹسمین داؤد ابرار، ابرار جی ہاں ابرار اور صدام والی ابرار نے یہ چوکا لگایا ہے. پہلی گیند پر گیند باز روہت نے پہچان لیا تھا کہ یہ روہت ہی ہے. روہت کالج اینڈ سے 5 گیندیں 9 رن. روہت آئے ہمت رکھیے، سنیم رکھیے اور میچ کا مزہ لیجیے. 4 گیندیں 9 رن. دل تھام کر بیٹھیے. 4 گیندیں 9 رن. پہلی گیند پر شاندار چوکا اور دوسری ڈاٹ بال روہت نے کرائی. روہت فیلڈ کو ترتیب دینے میں مصروف. اس دوران روہت سنگھ کالج اینڈ سے اپنے بالنگ آؤٹ پر تیار. ان کے سامنے بیٹھے بغیر پریشر کے کھیلنا ہوگا. نیچرل گیم. اس دوران روہت آئے اور کھیل بھی آئے گا. شارٹ میں گیم جا رہی ہے. ایک رن بنا دیکھتا ہے. ایک رن کے موقع میں نہیں خطرہ ہو سکتا ہے. ایک ہی رن مل پائے گا. 3 گیندیں 5 رن بن چکے ہیں. 3 گیندوں میں 8 رن درکار. 3 گیندیں 8 رن. سامنا کریں گے پہلی مرتبہ اس سپر اوور میں روہت کا. 3 گیندیں 8 رن. 5 رن بن چکے ہیں 3 گیندوں میں. پہلی گیند پر چوکا، دوسری ڈاٹ بال، تیسری گیند پر ایک بار ایک رن بنا. اس دوران روہت اور گیند ڈاٹ بال دیکھتے ہیں. ایک رن کے لیے دوڑ پڑے ہیں. اب تیزی کے ساتھ رن مکمل کیا. 2 گیندیں 7 رن. یہاں پر بھرپور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. اور 3 رن کے لیے دوڑ پڑے. دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر ایک رن بنا. 3 رن بن چکے ہیں.
दी थी रोहित को, लेकिन उन्हें थ्रो किया और उसका भरपूर फायदा उठाया अबरार और सद्दाम ने। एक गेंद पर तीन रन बने, एक रन जहां होना चाहिए था वहां तीन रन बने। अब सामना करेंगे अबरार, दो गेंदे पांच रन। रोहित अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन यहाँ पर थ्रो करने की जरूरत नहीं थी, मैं नहीं समझता हूँ। यहाँ पर दोनों बैट्समैन आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए, दो गेंदे पांच रन। ये मैच है कि कोई तूफान है, ये मैच है कि कोई बाढ़ आ गई है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तीसरी मरतबा खेला जा रहा है और अभी भी 120 है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दो गेंदे पांच रन। अब सामना करेंगे दाऊद रोहित का, नाम पता है गेंद पर है सद्दाम। रोहित आए और चने चबाया यहाँ पर
बहुत बदकिस्मत रहे, हालांकि काफी देर तक गेंद हवा में रही लेकिन उसके बाद दोनों कप्तान जो बदला क्रिकेट अकेडमी और फरीदिया कलेसा के दरमियान मैच हो रहा है उनसे गुजारिश है कि वो मैदान में चले जाए। तीसरी मरतबा ये मैच खेलना पड़ा भैया, मेरे वाला कैमरा लाओ जी, वाला मेरे को लो जी, दो बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर जबरदस्त मैच, ऐसे मैच आईपीएल में भी नहीं होते हैं, बहुत ही शानदार मैच। पहले आवाज का जुगाड़ करेंगे, अभी कहाँ आ रही नहीं घुमाने के लिए आपके वाला कैमरा रख लें। इसमें साफ ही नहीं आएगा ना, इतना जूम कहाँ है उसमें, इसमें कितना जूम चाहिए लाया तुम। वेल प्लेड रैना क्रिकेट क्लब, वेल प्लेड जू सरपोर्ट किश्तवाड़, बहुत ही खतरनाक घातक मैच, घातक मैच यहाँ पर आज हुआ और आखिर ये मैच जू किश्तवाड़ ने जीत लिया। आर बाजार मैदान की तरफ जाते हुए वो चाहते हैं कि टॉस जल्द अज जल्द हो ताकि आज का पहला मैच। रमजान साहब भी यहाँ खुश दिखाई दे रहे हैं, रमजान भट्ट जो कैरी पैक